Good morning to all of you. Today I'm going to discuss about the another topic of follow-up and describe a place where you are able to relax. इस टॉपिक के क्वेश्चंस को डिस्कस किया इस वीडियो में. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू स्टूडेंट रिलैक्स बाय स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली और डूइंग आउट और गोइंग आउट विद फ्रेंड्स. सम स्टूडेंट ऑल्सो डू सम एक्सरसाइजेस टू गेट रिलैक्सेशन. व्हाट एक्टिविटीज डू एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइज टू हेल्प एम्प्लॉयज रिलैक्स. एक कंपनी का मालक कौन सी एक्टिविटीज या कौन सी चीजें अरेंज कर सकता है जिससे उनके जो एम्प्लॉयज को रिलैक्स मिले, आराम मिले. देयर आर मैनी फैसिलिटीज एम्प्लॉयर कैन प्रोवाइड टू देयर एम्प्लॉयज सच एज रेस्टरूम वेयर एम्प्लॉय स्पेंड सम टाइम एंड रिलैक्स. अनदर फैसिलिटीज कैफे वेयर दे स्पेंड टाइम विद अदर एम्प्लॉयज एंड चिट चैट विद देम फॉर सम टाइम. जैसे फ्री टाइम मिलता है उनको तो वो जहाँ तो रेस्टरूम में रेस्ट कर सकते हैं, जहाँ कैफे में टाइम स्पेंड कर सकते हैं. अगर आपके दिमाग में कुछ और भी आ रहा हो तो वो भी आप ऐड ऑन कर सकते हो इसके इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू पीपल नाउ हैव मोर वेज टू रिलैक्स देन इन द पास्ट. यस, पीपल हैव मोर वेज टू रिलैक्स एज कम्पेयर टू द पास्ट. दिस इज पॉसिबल ओनली विद एडवांस टेक्नोलॉजी. People watch the different shows, songs on the mobile phone in their free time. People do video calling with the help of internet through the phone or laptop and also spend some time playing games. Just say to playing games aa sakta hai, watching movies aa sakta hai, शोज आ सकता है वीडियो कॉलिंग के थ्रू, जो कि पास्ट में पॉसिबल नहीं था. ये आजकल जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से पॉसिबल है. तो ये वाला डिफरेंस डिफाइन करना है. डू यू थिंक द नेचुरल सीनरीज आर मोर हेल्पफुल देन इंडोर एक्टिविटीज. येस, नेचुरल सीनरीज आर मच बेटर देन इंडोर एक्टिविटीज. पीपल फील फ्रेशर इन द नेचुरल एनवायरमेंट वेयर एज इंडोर एक्टिविटीज पुट सम एडवर्स इफेक्ट ऑन द पीपल्स हेल्थ. अगर हम अंदर बैठे ही फोन पे काम कर अपना फ्री टाइम स्पेंड करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे आईज पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, हमारी बॉडी पे उसका इफेक्ट पड़ेगा. पर अगर हम नेचुरल जगह पे जाकर जैसे पार्क या गार्डन में जाकर अपना टाइम स्पेंड करते हैं तो उसका एक पॉजिटिव बेनिफिट मिलता है. डू यू लाइक टू विजिट द मूवी थिएटर. येस, आई लाइक टू वॉच मूवीज इन थिएटर रेदर देन होम. यहाँ पे होम आएगा रेदर देन इन होम बिकॉज सम फैसिलिटीज आर ओनली अवेलेबल इन द थिएटर नॉट ओनली इन द होम लाइक लार्ज स्क्रीन, हाई साउंड. एंड आई विजिट द सिनेमा वंस इन टू मंथ्स. जैसे बड़ी स्क्रीन होगी, अच्छी क्वालिटी की साउंड होती है, वो सारी चीजें हमें थिएटर में मिल सकती हैं. घर में वो चीजें अरेंज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. सो इन चीजों की वजह से मैं स्पेंड 2 महीनों में या 1 महीने में एक बार विजिट करती हूँ सिनेमा में. वेयर डू इंडियन पीपल लाइक टू गो ऑन वीकेंड. वेल, एवरीवन हैज अ डिफरेंट चॉइस बट अकॉर्डिंग टू माय परसेप्शन मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक टू विजिट द शॉपिंग मॉल, सिनेमास एंड गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव इफ वेदर इज गुड ऑन द वीकेंड. व्हाट डू ओल्डर एडल्ट्स डू टू रिलैक्स. वो क्या करते हैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए. एज वी ऑल नो ऑल द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट रिक्वायर अ चार्ज आफ्टर सम टाइम टू यूज इट अगेन. सिमिलरली द ह्यूमन बॉडी ऑल्सो नीड सम चार्ज एंड इट इज पॉसिबल वेन द ह्यूमन बॉडी गेट रिलैक्सेशन. सो फॉर दैट द पीपल डू द डिफरेंट एक्टिविटीज एंड द ओल्डर पीपल लाइक टू स्पेंड द टाइम इन द गार्डन विद देयर फ्रेंड्स एंड दे रीड सम बुक्स टू गेट रिलैक्सेशन. जैसे हर एक इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, उसी से चार्ज होता है दोबारा यूज करने के लिए. उसी तरीके से ह्यूमन बॉडी को भी एक चार्ज की जरूरत होती है. वो कहाँ से मिलता है, अपने आप को रिलैक्स करने से. तो उसी तरीके से ओल्ड पीपल है वो टाइम स्पेंड करते हैं फ्री टाइम अपना, या तो गार्डन्स में अपने फ्रेंड के साथ, या कुछ फ्री टाइम में वो बुक्स पढ़ते रहते हैं जिससे उनके जो माइंड एंड बॉडी को आराम मिलता है. अगला क्वेश्चन है व्हाट
इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलैक्सेशन. जैसे मैंने पहले बताया था क्वेश्चन में कि हर एक चीज को चार्ज की जरूरत होती जाए, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का इक्विपमेंट हो या ह्यूमन बॉडी हो. तो वही सेम आंसर है आप यहाँ पे दे सकते हैं. बस ओल्ड वाली जो पीपल्स वाली लाइन है वो उसको कट कर दीजिए, ऊपर वाला सेम आंसर जो है इसी में आ जाएगा. वट आर द वेज पीपल रिलैक्स देमसेल्फ. मैंने सिंपल यहाँ पे हिंट दे रखे हैं कि कौन कौन से टाइप से वो अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं. जैसे पार्क्स में जाकर, रिलीजियस प्लेसेस में जैसे मंदिर हो गया, गुरुद्वारा हो गया, चर्च हो गई, कई लोग वहाँ पे जाकर अपने आप को उनको शांति मिलती है. लिसन टू म्यूजिक, वॉच टीवी, स्पेंड टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, इन चीज़ों को डिस्क्राइब करके आप इसका आंसर बना सकते हैं. डू यू थिंक वी शुड टेक अ डे ऑफ फ्रॉम अवर वॉकिंग. यस, we should take a day off from our work because in that way we could relax our body as well as our mind and get some new energy which increase our creativity and accuracy during the work. अगर हम लगातार काम करते रहेंगे तो ऑब्वियसली हमसे गलतियाँ होनी शुरू हो जाएंगी, हमारी जो सोचने की शक्ति वो कम हो जाएगी. उसी चीज़ को बढ़ाने के लिए हमें कुछ आराम की, कुछ एक रेस्ट की ज़रूरत होती है. उसी के लिए डे ऑफ, एक दिन की छुट्टी बहुत ज़रूरी होती है. सम पीपल डू नथिंग टू रिलैक्स. डू यू थिंक इट इज़ अ गुड आइडिया. पीपल यूज डिफरेंट टेक्निक्स टू रिलैक्स. सम पीपल डू नथिंग, आई मीन टू से दे close your eyes for some time to relax their mind. I think it is the best way because in that way not only the mind but body also relaxed. कई लोग होते हैं जैसे मैंने बताया कि कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं, तो उनके माइंड को वो रिलैक्सेशन नहीं मिलती, या कुछ एक्सरसाइज करते हैं उनकी बॉडी को वो रिलैक्सेशन नहीं मिलती. तो ये मेरे अकॉर्डिंग ये अच्छा आइडिया है कि बिल्कुल कुछ ना करो, बिल्कुल शांत तरीके से बैठ जाओ, तो जिससे हमारे माइंड एंड बॉडी दोनों को आराम मिलता है. So this is the end of this session. If you like the answers which I'm presenting during the video, please share it and subscribe my channel. Thanks for watching.